हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक नए किस्म का बटन जिसको 3D बटन कहा जाता है और बड़े ही प्यारे लगते हैं जो आजकल मैं देख रहा हूँ। मैंने सोचा आपको बनाना भी सिखाएं और क्यों ना हम बाकी बातों को स्किप करें और सीधा हम चले आपको लेके अपने ट्यूटोरियल में। तो आ जाए हमारे साथ। जल्दी से हम अपनी ले लेंगे यहाँ पे बॉयलर प्लेट। उसके बाद करना क्या है, हम इसको दे देंगे टाइटल 3D बटन। उसके बाद हम फौरन से अपने बॉडी में आ जाएंगे, वहां पे एक कंटेनर लेंगे और कंटेनर क्यों ले रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। बैकग्राउंड नॉइस को जरा के साथ बर्दाश्त कीजिएगा। अच्छा जी, तो ये हमने बटन की क्लास BTN रख दी है जिसके अंदर हम बटन कौन सा लेना चाहते हैं। बटन हम लेंगे जी वही बटन कह देते हैं। अब हम ऊपर चलते हैं और इसकी स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले हम स्टाइल का टैग लेते हैं, उसके अंदर हम इसकी CSS लिखेंगे। कंटेनर को हमने कंटेनर लिया, कंटेनर हमने इसलिए लिया क्योंकि हम अपने बटन को सेंटर में ले आए और आपको जरा वजह नजर आई ना हो कि वो ऊपर चिपका हो या हम व्हाटएवर। इससे हम अलाइन आइटम सेंटर करते हैं और मार्जिन तो दे देते हैं 5 का। इसको बॉडी को कलर करते हैं बैकग्राउंड कलर देते हैं हम। चले जी हम देखते हैं हमारा बटन नजर कैसे आता है। तो हम BTN को भी थोड़ी सी पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल और विड्थ हम दे देते हैं इसको 100 पिक्सल। इसी के साथ हमारा जो इसका बॉर्डर इसको नन कर देंगे। साथ साथ हम क्यों ना खोल के भी देखें लाइव के हमारे बटन किधर है, क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। वो ऊपर लगा हुआ है, इसको हम लेके आते हैं अपने इधर सेंटर में जो कि इसकी हाइट देने के बाद आएगी। यहाँ पे अब हम 2 अदद बॉक्स शैडो लगाएंगे। ये जो 10 पिक्सल दिए है ये हमने इसे ब्लर किया है। तो हमने कर दिया, क्यों ना इसे थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस करें जिससे हमारा सटी सही रहेगा। बटन का जो टेक्स्ट लाइन है वो हम सेंटर करेंगे और से थोड़ा सा खूबसूरत लगे। अब हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है
वो भी वही करेंगे जो हमने ऊपर बॉडी को दिया है। वैसे तो वही था, ना भी करें तो चल जाएगा, कलर तो वही था। अच्छा अब हम आ गए इसके BTN ओवर पॉइंट, ओवर कर लें या आप एक्टिव भी रख सकते हैं, एक्टिव पे बटन क्लिक होना चाहिए, ओवर पे माउस ऊपर लेके जाते हैं तब उधर, और इसके ऊपर इसका हम कर्सर पॉइंटर कर देंगे ताकि वो हैंड सब के फिंगर से भी आ जाए। अब हम जो ऊपर हमने शेडो दिया है ओवर पे वही शेडो लगाएंगे, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे उसमें, वो चेंजिंग भी हम आपको बताते हैं कि आप की जाएंगे। जहाँ पे हमने कलर किया है वाइट वहां पे हम दे देंगे डार्क, और जहां पे हमने डार्क किया था वहां पे हम आप कोई भी कलर दे सकते हैं, वाइट दे सकते हैं, ब्लैक दे सकते हैं, मेरे पास तो ऐसे बहुत बड़े बुक नहीं है। जितना अच्छा बनाएंगे कलर्स जितने अच्छे देंगे उतना ही। यहाँ पे हम उसका ब्लर थोड़ा कम कर रहे हैं और ये ब्लू पे कर देते हैं ब्लैक, और ये तो ये हमारा वर्क बना है। आपको कैसा लगा फ्रेंड्स जरूर बताइएगा, कब चेंज करना चाहिए वो आपकी मर्जी है, हमने बस यही करना था कि आपको GT बटन बनाने का बताना था जो मेन मेथड है वो। थैंक यू वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।